लूट के उद्देश्य से आधी रात को अलीम खान नामक युवक के घर में घुसकर पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने अलीम खान की कनपटी पर कट्टा रखकर 12,000 रुपए की नकदी और 1.5 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग भी की। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। मैं 12 बजे के लगभग हम अंदर सो रहे थे तो गोली चलने की आवाज़ आई। गोली चलने की आवाज़ जैसे ही आई तो हम उठे तो हम बाहर को निकले तो यहाँ जो है लगे गुम्मा दो ही हमारे गेट टूट के और दो लोग अंदर घुस गए। 5 लोग थे और खूब लूटपाट करी, मतलब डकैती जा रही बनने को। और डकैती डालने के बाद फिर हम जो है इनके बल्ले के यहाँ गए छत, फिर हमने इनको आवाज़ लगाई तो ये आए और यहाँ से दुबे जी के लड़का आए बंदूकें ले लेते, तब भी लोग भग गए। 2 भगे यहाँ को और 3 इतने। कितना सामान ले गए लगभग? ये हमारे 12,000 रुपया है जी, 1.5 पौने 2 तोला सोना है और 3 जोड़ी पायल है। पहचानते थे किसी को? नहीं, 2 तो वो आ गए सीसीटीवी में है, जमादार है और 1 धोबी है। अच्छा, आपने इसकी संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? कोतवाली में रात में गए थे तो उन्होंने लिखित में हमसे शिकायत ली है जी, तो हम लिखित में शिकायत दर्ज कराया है। अब उनने सुबह हमको बुलाया था, अभी हम फिर जाएंगे। हनीफ खान की रिपोर्ट, NC24 न्यूज़।